आज इस वीडियो में हम लंबाई की तुलना करना सीखेंगे। आइए देखें कि गैफी और रानी आज बगीचे में क्या कर रहे हैं। तुम क्या कर रही हो गैफी? मैं यहाँ सब्जियाँ उगाने वाली हूँ, इसलिए इस जगह को चारों तरफ से घेरने के लिए मुझे इसकी लंबाई और चौड़ाई को नापना है। क्या मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? हाँ जरूर। यदि हम पैरों से इसकी लंबाई नापते हैं, तो इसकी लंबाई है 1, 2, 3, 4 और पांचवे पैर से थोड़ा कम। तुम इसे हाथ से माप के देखो गैफी। इसका माप 6 बालिश से थोड़ा कम है। इस माप में फर्क क्यों है? हम पांव और हाथ की तुलना करके देखते हैं। हाथ का माप पांव से थोड़ा कम है, इसलिए उनके माप में भी फर्क है। इसका मतलब अगर हम इस जगह की चौड़ाई को नापते तो उसमें भी फर्क होगा। माप के देखें। चौड़ाई का माप है 4 पांव से कम। बच्चों, आपको क्या लगता है, हाथ से इसका माप ज्यादा होगा या कम? क्योंकि हाथ का माप पांव से छोटा है, तो हाथ से नापने पर इसको ज्यादा बार दोहराना होगा। इसका माप है 5 बालिश से थोड़ा कम। बच्चों, अब आप भी एक वस्तु लें, जैसे चटाई, और उस वस्तु का एक बार हाथ से और फिर पांव से माप लें। लिए गए माप की तुलना करें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को बताएं कि माप में फर्क क्यों है। बच्चों, इस वीडियो में हमने लंबाई की तुलना करना सीखा।